गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर यू कैन सी सम वर्ड्स आर रिटन हियर, राइट? व्हाट इट सेज दैट आवर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर अस, इट्स रिटन बाय अस। नाउ टेल मी एवरीवन दैट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस एंड हाउ मेनी ऑफ यू डोंट। ओके, राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस that our destiny is written by us. Good evening everyone, please be quick. Hello, yes. See, it really depends upon your thinking, right? So, according to me, what I think that our destiny is written by us. See, if you are doing something good today, something good will happen in your future. And if you are doing something bad right now, then you will repent tomorrow. So, I would just say that work hard and write your own destinies, right? So, I think, yeah, good. Agree. Yes, many of you agree with this. Very good. So, I think you enjoy these little moments. So, start karte hain hamara aaj ka lecture. Start karne se pehle, aap sabhi log pehle channel ko subscribe kariye, video like kariye, okay? And share kariye apne friends ko. Yes, everyone like and subscribe. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे नेट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में या जैम डीयू बीएचयू, इन एवरी एग्जाम इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, हम एक पढ़ेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें हम आईसीपी एईएस भी देखेंगे। आईसीपी एईएस क्या होता है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एईएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब देखिए, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये बेस्ड होती है अब्जॉर्प्शन पर। और अब्जॉर्प्शन क्या है? लाइक आपके पास कोई फ्री एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, राइट? अब ये जो एटम होगा आपका, देखिए आपके पास एक फ्री एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है। अब ये एटम क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की, और ये एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा और पहुंच जाएगा हमारे एक्साइटेड स्टेट में, राइट? तो ये जो फिनोमिनल है इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन, कि आपका जो फ्री एटम था उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और स्पेसिफिक वेवलेंथ, राइट? तो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, कि फ्री एटम्स इन ग्राउंड स्टेट कैन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, और हर एक एलिमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा या फिर एमिट कर पाएगा, राइट? अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे।
इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पर ध्यान देना है। चलिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज रेडिएशन सोर्स। मतलब आपके पास कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आपके रेडिएशन एमिट हो रहे हों, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन सोर्सेज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प्स, या फिर होलो कैथोड लैम्प, या फिर ड्यूटेरियम लैम्प। अब ये सारे रेडिएशन सोर्सेज हैं, बट मेनली आप क्या करते हैं, होलो कैथोड लैम्प का मोस्ट कॉमनली आप होलो कैथोड लैम्प को ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए पहले जान लेते हैं कुछ कि होलो कैथोड लैम्प के बारे में। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा डायग्राम है आपका एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सबसे पहले क्या होगा, ये आपको होलो कैथोड लैम्प दिख रही है, ये एक रेडिएशन सोर्स है, ये आपका रेडिएशन एमिट करेगा। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये आपका होलो कैथोड लैम्प है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आपका इनर्ट गैस फिल्ड होता है। इनर्ट गैस कोई भी हो सकता है, लाइक आर्गन, नियॉन, राइट। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आपके पास एक कैथोड होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक कैथोड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक एनोड प्रेजेंट होगा। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अब ये जो कैथोड होता है आपका, जो आपका मेटल ऑफ इंटरेस्ट है, मेटल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या कि आप जो एलिमेंट एनालाइज करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट की कंसंट्रेशन को पता करना चाहते हैं, आपका जो कैथोड है वो उसी एलिमेंट का बना होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपको सोडियम एनालाइज करना है, राइट, तो आपका जो ये कैथोड होगा वो सोडियम का ही बना होगा। या फिर अगर आप कैल्शियम एनालाइज करना चाहते हैं या मैग्नीशियम एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपका जो कैथोड है वो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का बना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये एनोड प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, इस कैथोड और एनोड के बीच में आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो अब यहां पर क्या होगा कि कैथोड और एनोड के बीच में जैसे ही आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इस ट्यूब में, कैथोड लैंप में जो इनर्ट गैस है वो आयोनाइज होने लग जाएंगे, और इनर्ट गैस जो आयोनाइज होकर अब ये कैथोड पे हिट करेंगे। और कैथोड हमारा क्या था, कैथोड हमारा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बना था। तो जैसे ही ये आयोनाइज्ड एटम्स जो हैं कैथोड पे हिट करते हैं, तो जो मेटल ऑफ इंटरेस्ट है उसके एटम्स वहां से रिलीज होकर इस ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। और वो एटम्स जो होंगे, जो हमारे यहाँ पे हम एग्जांपल सोडियम का लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारे सोडियम एटम्स हैं वो वहां से डिसोसिएट हो जाएंगे और पूरे इस ट्यूब में डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही आप कहते हैं स्पटरिंग, राइट। इस प्रोसेस को आप कहेंगे स्पटरिंग। इट मींस कि कैथोड और एनोड के बीच में आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, फिर क्या होगा, हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से जो इनर्ट गैस फिल्ड थी वो आयोनाइज हो जाएगी, और वो जो आयोनाइज एटम्स हैं वो कैथोड पे हिट करते हैं, और कैथोड हमारा मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना है। तो जो मेटल ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हम सोडियम लेकर चल रहे हैं, तो सोडियम एटम्स जो हैं वो वहाँ से डिसोसिएट होंगे और इस पूरे ट्यूब में स्प्रेड हो जाते हैं, और उन एटम्स का एक क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पटरिंग। अब आपके जो सोडियम एटम्स का जो क्लाउड फॉर्म हुआ है वो हाई एनर्जी स्टेट का होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये जो आपका सोडियम एटम है वो हाई एनर्जी स्टेट का है, राइट। तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां से ये एनर्जी रिलीज करेगा और अभी हमारा पहुंच जाएगा ग्राउंड स्टेट में, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। तो सोडियम के केस में जो लाइट हमारी रिलीज होती है वो होती है 589 नैनोमीटर की,
अब देखिए, जो यहाँ पे सोडियम क्लाउड फॉर्म हुआ वो हाई एनर्जी स्टेट का था, हाई एनर्जी स्टेट स्टेबल नहीं है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाएगा। अभी जो एनर्जी रिलीज हुई है 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इस लैम्प से बाहर आती है। इट मीन्स ये हमारा रेडिएशन सोर्स है, ये आपको रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ 589 नैनोमीटर। अब ये रेडिएशन यहाँ पे आपका जो सैंपल होगा उस पर फॉल करता है और फिर देखते हैं कि उसके आगे क्या होगा। अब ये प्रोसीजर और यहाँ से आप सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसीजर साइमल्टेनियस होंगे। यहाँ से आपका रेडिएशन सोर्स आएगा और यहाँ से आपका सैंपल इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखते हैं कि इस पोर्शन को कि किस तरह से आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो सैंपल है वो कोई सॉलिड सैंपल है, राइट? तो उस सॉलिड सैंपल को उसको इंट्रोड्यूस आप कैसे करते हैं? उसका इंट्रोडक्शन होता है लेज़र एब्लेशन मेथड से। अगर आपका सैंपल जो है वो सॉलिड है तो उसका इंट्रोडक्शन करते हैं आप लेज़र एब्लेशन मेथड से, ठीक है? अब ये लेज़र एब्लेशन मेथड क्या है कि जो आपका सॉलिड सैंपल होगा उस पर आप कोई लेज़र बीम जो होगी वो इरेडिएट करेंगे, और जैसे ही लेज़र बीम इरेडिएट होगी तो आपका जो सॉलिड सैंपल है या तो वो इवापोरेट हो जाएगा या फिर सब्लिमेट हो जाएगा। तो अगर आप लो लेज़र फ्लक्स की लाइट को, लेज़र बीम को इरेडिएट कर रहे हैं सॉलिड सैंपल पर, तो आपका जो सैंपल है वो या तो इवापोरेट होगा या सब्लिमेट होगा। या फिर अगर आप हाई लेज़र बीम उस पर इरेडिएट करते हैं तो आपका जो सॉलिड सैंपल होगा वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं कि सॉलिड सैंपल जो आपका है उस पर आपने कोई लो लेज़र बीम इरेडिएट की, आपका जो सैंपल था वो सब्लिमेट हो गया, इवापोरेट हो गया। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इवापोरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इनर्ट गैस के साथ मिक्स होके एटोमाइज़र तक पहुँच जाते हैं। अब देखिए एटोमाइज़र क्या होता है, एटोमाइज़र के नाम से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे एटम्स में कन्वर्जन होगा, राइट? तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ एटोमाइज़र्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? फ्लेम एटोमाइज़र या फिर इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र। अभी जो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र होता है ये होता है हमारा ग्रेफाइट फर्नेस, और ये हमारा जो होगा ये बेस एटोमाइज़र होता है, राइट? या फिर आप यूज़ करते हैं कोल्ड वेपर एटोमाइज़र। यहाँ पर हम फ्लेम एटोमाइज़र लेकर चलते हैं, तो इसका ही डिस्कशन करेंगे फ्लेम एटोमाइज़र का, ठीक है? ये तो हमने बात कर ली अगर आपका सैंपल जो है वो सॉलिड है, ठीक? तो किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होगा ड्यू टू लेज़र एब्लेशन मेथड, और उसके बाद वो इनर्ट गैस के फ्लो के साथ एटोमाइज़र तक पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपका सैंपल जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सैंपल सॉल्यूशन किस तरीके से एटोमाइज़र तक पहुंचेगा? तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है नेबुलाइजेशन। देखिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा नेबुलाइजेशन। अब नेबुलाइजेशन में क्या होगा कि आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है वो इस ट्यूब के थ्रू इस नेबुलाइजर में पहुंचता है। अब नेबुलाइजर में आपका जो सैंपल सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा टाइनी ड्रॉपलेट्स में, ठीक है? नेबुलाइजर के अंदर आपका जो सैंपल सॉल्यूशन था वो टाइनी ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेटिव या फिर फ्यूल के साथ मिक्स होकर एटोमाइज़र तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेटिव या फ्यूल्स की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्लेम है, फ्लेम उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑक्सीडेटिव या फिर फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑक्सीडेटिव एंड फ्यूल्स के साथ मिक्स होकर एटोमाइज़र तक पहुँचते हैं। अब ये एटोमाइज़र तक आपका जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थे वो पहुँच गए। अब यहाँ पर फर्दर स्टेप्स होते हैं, एटोमाइज़र में पहुँचने के बाद फर्दर स्टेप्स होंगे, देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा एटोमाइजेशन स्टेप वो होता है डीसॉल्वेशन। देखिए जो आपका टाइनी ड्रॉपलेट था, है ना, जो टाइनी ड्रॉपलेट था वो क्या था, उसमें हमारा सैंपल भी था और सॉल्वेंट भी था। तो सबसे पहले क्या होगा, डिसॉल्वेशन होता है। इट मीन्स आपके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स में सैंपल भी प्रेजेंट थे, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले जो सॉल्वेंट होगा इसमें से वो इवापोरेट हो जाएगा।
तो अब क्या बचा आपका, अब सिर्फ सैंपल बचा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वोलेटिलाइजेशन। अब आपको जो सैंपल है वो गैसियस में गैसियस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपका जो सैंपल था वो गैसेस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप होता है डिसोसिएशन, कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके अब वो डिसोसिएट हो जाएंगे और एटम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, अब वो एटम्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप होगा आयोनाइजेशन, कि जो एटम्स थे आपके वो आयोनाइज हो गए। अभी जो आयोनाइज एटम्स हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके आयोनाइज एटम्स आ गए और यहाँ से आपका रेडिएशन सोर्स आ रहा है, तो ये जो एटम्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और कुछ, और उसके बाद वो हाई एक्साइटेड लेवल पे पहुंचा देंगे, राइट। और कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो इस फ्लेम से ट्रांसमिट हो जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पे जो आपके एटम्स थे आयनाइज एटम्स, उन्होंने क्या किया, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और हाई एक्साइटेड लेवल पे पहुंच गए। कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है वो यहाँ से इस फ्लेम से ट्रांसमिट हो जाएगी। अभी जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है, ये ट्रांसमिटेड रे जो है, ये मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आ रही है। अब ये आप मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, मोनोक्रोमेटर जबकि ट्रांसमिटेड लाइट है, इसमें मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट है, मल्टीपल वेवलेंथ। अभी आपका मोनोक्रोमेटर क्या करेगा कि इस मल्टीपल वेवलेंथ में से कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही फिल्टर करता है। तो यहाँ पे हम सोडियम की बात कर रहे थे, तो आपका जो मोनोक्रोमेटर है वो सिर्फ 589 नैनोमीटर की स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से फिल्टर करेगा और डिटेक्टर तक पहुँचाएगा, फिर आपका डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और आपको एक ग्राफ दे देता है, राइट। तो जो आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे तो आपकी ट्रांसमिटेंस आ रही है, तो जो आपको लेकिन ग्राफ मिलता है यहाँ पे, वो ग्राफ मिलता है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। तो इसको हम बीयर लैम्बर्ट लॉ से देख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी, ठीक है। अब आपका ये पूरा प्रोसीजर करके आपको ट्रांसमिटेंस पता चल गई है, तो इससे आप एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको पता क्या करना था, एएस में आपको मेनली ये पता करना था कि आपको जो एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन पता करनी थी। तो उस कंसंट्रेशन को पता करने के लिए आप एक कैलिब्रेशन कर्व यूज करते हैं। अब कैलिब्रेशन कर्व क्या होता है, सबसे पहले आपको एक नोन सैंपल लेंगे। अब वो नोन सैंपल है आपको पता है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आपको पता होगी, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, राइट। पहले हमने एक नोन सैंपल लिया जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, अब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आपका एक कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म कर लिया आपने। अब आपका जो अननोन सैंपल है, जो आपको एनालाइज करना था, उसको क्या करेंगे, उसका आपको एब्जॉर्बेंस तो पता है, एब्जॉर्बेंस आपको मिल गया, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। तो अब आप इस एब्जॉर्बेंस जो आपकी आई है वो इस कैलिब्रेशन कर्व के साथ उसको मैच करते हैं, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, फिर इस कैलिब्रेशन कर्व के साथ मैच करके आप इसकी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपने कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म किया, कोई नोन सैंपल था जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता थी, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे उसकी एब्जॉर्बेंस आई। उसके बाद आपका अननोन सैंपल है जो कि आपको एनालाइज करना था, उसकी एब्जॉर्बेंस तो आपको मिल गई है बट कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी थी। तो आप उसको इस कैलिब्रेशन कर्व के साथ मैच करते हैं, एब्जॉर्बेंस आपको पता है, उसको प्लॉट करके आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये मेथड था कि किस तरीके से आप कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। आई थिंक आपको इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आई होगी, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। विश्वनाथ उपाध्याय, थैंक यू। यस, दिस लेक्चर इज फॉर जैम, जैम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट।
रिपीट डायग्राम, डायग्राम दोबारा से रिपीट करना है। कौन सा डायग्राम, इंस्ट्रूमेंटेशन का या फिर डिस्ग्राफ? भूपेंद्र जावेद अली कह रहे हैं यस समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, किस तरीके से आप कंसंट्रेशन एनालाइट का फाइंड करते हैं। अब देखते हैं कि आपके कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं एएएस के, क्यों आप एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो होता है टू डिटरमाइन विच कॉम्पोनेंट, कि कौन सा कॉम्पोनेंट या फिर उस एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है आपके सैंपल में, राइट। पहला तो ये हो गया। सेकेंड क्या हो सकता है कि कोई भी फूड इंडस्ट्री में, लाइक अगर आपको कोल्ड ड्रिंक है, राइट, तो कोल्ड ड्रिंक में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता करना, वो आप एएएस से पता कर सकते हैं। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम इन सीरम, लाइक आपका कोई ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में कितना अमाउंट आपका कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो ये अमाउंट जो है आप पता कर सकते हैं एएएस से। और लेड इन पेट्रोल, पेट्रोल में लेड कितना प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में है, ये पता कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, इस वजह से आप एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। तो हमने एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ ली, उसका प्रोसीजर पूरा पढ़ लिया, किस तरीके से कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। अब इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए थे हम पहले इन्हें डिस्कस करते हैं। और अभी जो हमने यहाँ पे बीयर लैम्बर्ट्स लॉ देखा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंटेशन से जितने क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2014 में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर होलो कैथोड लैम्प, होलो कैथोड लैम्प की बात करी थी हमने, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहले आप कोशिश करिए बताने की आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, पहले आप आंसर करिए। एवरीवन बी क्विक। ओके, ज्ञानेंद्र पांडे आपका क्वेश्चन है कि नेबुलाइजर का वर्क रिपीट कर दीजिए, ठीक है। देखिए जो आपका सैंपल सॉल्यूशन होता है वो इस ट्यूब के थ्रू नेबुलाइजर में पहुंचेगा और वो सैंपल सॉल्यूशन आपका कन्वर्ट हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में या फिर एरोसॉल में। तो नेबुलाइजर का फंक्शन यही है कि वो सैंपल सॉल्यूशन को टाइनी ड्रॉपलेट्स में या फिर एरोसॉल में कन्वर्ट करता है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए आप। ओके, स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री मैम, क्या आप एक बार रिपीट कर, क्या रिपीट करवाना है, इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा रिपीट करवाना है। ओके, आंसर्स आने लगे हैं। विनीत कुमार ए कह रहे हैं और भूपेंद्र कह रहे हैं डी, और किसी का आंसर नहीं आया, आशीष कह रहे हैं बी। ओके, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ओके ओके, श्रेया का आंसर आ रहा है डी। चलिए एक एक करके हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम होलो कैथोड लैम्प की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि HCl होलो कैथोड लैम्प
इज सूटेबल फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं वो आप होलो कैथोड लैंप यूज करते हैं। इट मीन्स आपका स्टेटमेंट सही है। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या कहती है कि लाइन्स एमिटेड फ्रॉम HCl आर वेरी नैरो। अब यहां से होलो कैथोड लैंप से जो यहां से रेडिएशन बाहर आ रही है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की है, दैट इज अभी हम यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं तो वो 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट बाहर आ रही है। तो ये जो लाइंस होती है वो बहुत नैरो लाइंस होती है, ठीक है। इट मींस आपका जो स्टेटमेंट था सेकंड वाला वो भी करेक्ट है। जो होलो कैथोड लैंप से जो रेडिएशन बाहर आती है वो होती है नैरो लाइंस। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द हार्डनिंग ऑफ लैंप मेक्स इट अनसुटेबल फॉर AAS। अब ये हार्डनिंग का मतलब क्या है, हार्डनिंग ऑफ लैंप, पहले इसको समझ लेते हैं कि हार्डनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पे जो आपको होलो कैथोड लैंप था, ठीक, इसमें जो फ्री एटम्स है सोडियम के, जो फ्री एटम्स हैं वो फ्री एटम्स क्या करेंगे, वो डिसोसिएट होने लग जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं इस होलो कैथोड लैंप में। डिफ्यूज होकर ये जो इनर्ट गैस फिल्ड थी ये इनर्ट गैस को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने की वजह से अब क्या होगा कि होलो कैथोड लैंप के अंदर जो प्रेशर है अब वो प्रेशर बहुत कम होने लग जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि सिस्टम जो है हमारा वर्क करना ही बंद कर देगा। तो इस प्रोसीजर को आप कहते हैं हार्डनिंग, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमारा स्टेटमेंट था कि हार्डनिंग ऑफ लैंप मेक्स इट अनसुटेबल फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। हार्डनिंग की वजह से क्या होगा कि आपका जो एटम्स थे सोडियम एटम्स थे वो डिफ्यूज आउट हो गए और उन्होंने इनर्ट गैस को ट्रैप कर लिया, और आपका जो HCl में होलो कैथोड लैंप में जो प्रेशर था वो बहुत कम हो गया और आपका जो सिस्टम था वो वर्क करना बंद कर देगा। इट मीन्स आपका स्टेटमेंट राइट है। तो हार्डनिंग में क्या होता है कि जो फ्री एटम्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं और ट्रैप कर लेते हैं आपके इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स को, राइट। तो प्रेशर जो है इन होलो कैथोड लैंप कम हो जाता है, इस प्रोसीजर को आप कहते हैं हार्डनिंग, राइट। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट स्टेटमेंट कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज्ड इन लैंप्स हैव शॉर्ट लाइफ। जो आप यहाँ पे HCl में जो आप इनर्ट गैस यूज करते हैं ये इनर्ट गैस इजिली हार्डन नहीं होता है, इस वजह से आपका जो ट्रांजिशन मेटल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसका एक सफिशियंट लाइफ टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी आप आर्गन जैसे यूज करते हैं तो इट डज नॉट हार्डन ईजिली, ठीक है। तो जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा है सफिशियंट लाइफ टाइम होती है उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, यहां तक कह रहा है कि शॉर्ट लाइफ टाइम है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट मींस आपका ABC ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर ए है। चलिए देखते हैं किसने ए आंसर किया था। ओके, ज्ञानेंद्र पांडे का आंसर बिल्कुल सही था, और किसका सही था, विनीत कुमार का सही था, जावेद अली, अर्चना, विश्वनाथ, ओके, इन सब स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही था। ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। चलिए, कुछ बच्चों का डाउट था कि एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन फिर से रिपीट कर दें, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका जो कंपोनेंट होता है वो होता है रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स मेनली आप होलो कैथोड लैंप यूज करते हैं। ये होलो कैथोड लैंप जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपका इनर्ट गैस फिल्ड है, आपके पास एक यहाँ पे कैथोड होगा, एक एनोड होगा। जो कैथोड होता है वो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बना होता है। एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आपको जो एलिमेंट एनालाइज करना है आपका कैथोड उसी एलिमेंट का बना होगा।
अब इसके बाद आप कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आपका जो इनर्ट गैस था वो आयोनाइज होने लग जाएगा। अभी जो आयोनाइज एटम्स हैं वो कैथोड पर हिट करते हैं, और कैथोड क्या था, कैथोड क्या था, कैथोड वॉज मेटल ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम सोडियम की अगर बात करते हैं, तो सोडियम एटम्स थे, अब वो यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाते हैं और इस ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सोडियम एटम्स थे, इनका क्लाउड फॉर्म बन जाता है, क्लाउड फॉर्म हो जाता है, तो इसी प्रोसीजर को आप कहते हैं स्पटरिंग। अब यहाँ पे जो आपके सोडियम एटम्स का जो क्लाउड फॉर्म हुआ वो हाई एनर्जी स्टेट का होगा, तो वो स्टेबल नहीं है, वो एनर्जी रिलीज करेगा, 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करता है और खुद ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो आपका इस रेडिएशन सोर्स से जो वेवलेंथ निकल रही है, दैट इज 589 नैनोमीटर की, और ये नैरो लाइंस निकलती हैं। अब यहाँ पर आप सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपका सैंपल जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो इस ट्यूब के थ्रू वो नेबुलाइजर में आएगा। नेबुलाइजर में क्या होता है कि आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में या फिर एरोसॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑक्सीडेटिव्स या फिर फ्यूल्स के साथ मिक्स होकर एटोमाइजर तक पहुँचते हैं। एटोमाइजर में अब कुछ ही डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको जो टाइनी ड्रॉपलेट्स था, टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये सैंपल प्लस सॉल्वेंट थे। सबसे पहला स्टेप होगा डिसॉल्वेशन, ये सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, अब आपका बचा सिर्फ सैंपल। अब जो सैंपल था उसका वोलेटिलाइजेशन हो गया, अब वो सैंपल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, जो आपके गैसियस अब मॉलिक्यूल्स थे वो डिसोसिएट हो जाएंगे और एटम्स में कन्वर्ट हो गए। अब एटम्स का आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएंगे वो। अब यहाँ से जो आपके आयनाइज्ड एटम्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है इस फ्लेम एटोमाइजर में, यहाँ से आपकी एनर्जी आ रही है 589 नैनोमीटर की, तो ये जो एटम्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, और हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच जाते हैं। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो इस फ्लेम से ट्रांसमिट हो जाती है। अब ये जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है वो मल्टीपल वेवलेंथ की हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे, ताकि मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि इस मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट को, इसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को फिल्टर करेगा और सिर्फ उसको ही डिटेक्टर तक पहुंचाता है। और यहाँ पे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो लाइट फिल्टर होगी वो होगी 589 नैनोमीटर की। तो यहाँ से ये वेवलेंथ लाइट यहाँ से बाहर आई मोनोक्रोमेटर से और डिटेक्टर तक पहुँची, और आपको फिर ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ आपको मिलता है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, राइट। तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया है, क्वेश्चन आपका 9 दिसंबर 2013 में, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एस्टिमेशन ऑफ आयरन थ्री यूजिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ, मतलब यहाँ पे आप एस्टिमेशन कर रहे हैं आयरन का, राइट, और एब्जॉर्बेंस कब डिक्रीज होगा जब आप इनमें से क्या ऐड करेंगे। तो ये जो एक ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे बेसिस है ये। तो इसमें क्या होता है मेनली कि जो आपका जब एस्टिमेशन करते हैं आप आयरन का, ठीक, तो कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले थे कि आपका एब्जॉर्बेंस डिक्रीज होता है जब आपका सल्फेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। तो जब आपका सल्फेट कंसंट्रेशन बढ़ता है तब आपका एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ आयरन, ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। तो आपका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आया है आपका CSIR NET 2015 में। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, ऑलरेडी ये बता दिया गया है। अर्जुन प्रजापत का क्वेश्चन है कि इसमें ओनली 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही यूज होती है। यहाँ पे देखिए, हम मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम का, राइट, तो सोडियम जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, दैट इज 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। तो यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे थे, इस वजह से ये वेवलेंथ थी। अगर कुछ और आप एलिमेंट लेते तो उसकी जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती वो होती।
ओके आंसर्स आने लग गए हैं। भूपेंद्र कह रहे हैं सी, विनय कुमार कह रहे हैं सी, ज्ञानेंद्र भी कह रहे हैं सी, सबका आंसर सी है। सी मतलब कि ए सी डी ऑप्शन सही है, सबका आंसर सी ही आ रहा है, क्या बात है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? जावेद अली, स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री, सक्सेस श्रिया, सुशील, सुशीला, इन सबका आंसर बी है। ओके आशीष डी भी कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एच जी लैम्प इज नॉट सुटेबल फॉर ए एस, मैंने आपको बताया था ए एस के लिए आप कौन सा मेल यूज करते हैं, रेडिएशन सोर्स, दैट वॉज हॉलो कैथोड लैम्प। तो यहाँ लिखा है कि एच जी लैम्प इज नॉट सुटेबल, इट मीन्स ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, हॉलो कैथोड लैम्प यूज कर रहे थे। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ग्रेफाइट फर्नेस इज द बेस्ट एटोमाइजर फॉर ए एस। अब देखिए, अभी हम जब ये पढ़ रहे थे एटोमाइजर्स के बारे में कि टाइप ऑफ एटोमाइजर्स, फ्लेम एटोमाइजर या फिर इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर या फिर कोल्ड वेपर एटोमाइजर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटोमाइजर्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर होता है दैट इज ग्रेफाइट फर्नेस, और ये हमारा बेस्ट एटोमाइजर होता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट मीन्स ये भी सही है, राइट। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नॉन मैटर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, नॉन मेटल्स आप यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके विनीत कुमार का ऑप्शन अब आ रहा है बी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेटर देन ICP-AES फॉर साइमल्टेनियस डिटरमिनेशन ऑफ मेटल आयंस। देखिए अभी हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है, ठीक, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ये ICP-AES होता है ये ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट मीन्स आपका ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, राइट। तो इट मीन्स आपके ये तीन स्टेटमेंट सही थे, तो ए बी सी आंसर सही है, दैट इज आपका करेक्ट आंसर है ए। तो कितनों ने ए आंसर दिया था, लेट मी सी, किसी का आंसर ही नहीं था, भूपेंद्र आपका क्या क्वेश्चन है कि लैंप में ट्रांजिशन मेटल क्यों यूज नहीं करते। देखिए हॉलो कैथोड लैंप में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैथोड होगा, राइट, वो मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना होता है। तो जो भी आपको मेटल, कोई भी मेटल हो वो, ठीक, अगर आपको वो आइसोलेट करना है, एनालाइज करना है, तो वो कैथोड उसी एलिमेंट का बना होगा, राइट। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन देखिए आया 2015 में, राइट। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंटेशन से कितने सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि तो कैलिब्रेशन कर्व इन स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्रिक एनालिसिस बिकम्स नॉन लीनियर। हमने देखा था आपका जो कैलिब्रेशन कर्व आ रहा था, राइट, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, वो एक लीनियर कर्व था। तो कब ये कैलिब्रेशन कर्व नॉन लीनियर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शंस हैं, पहले आप गेस करिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
पहले आप आंसर करिए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अभी होगा नेक्स्ट क्लासेस में, अभी नहीं हुआ है। शिवानंदा अधिकारी, ओके। अर्जुन प्रजापत का क्वेश्चन है कि सोडियम लैम्प 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही क्यों एमिट करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एमिट करता है, ठीक है। तो सोडियम के केस में वो 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ लाइट ही एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ये फिक्स होता है, राइट। ओके, आंसर आने लगे हैं। भूपेंद्र कह रहे हैं डी, मोलर ऑब्जॉर्प्टिविटी ऑफ लाइट इज हाई। विनीत कुमार कह रहे हैं सी, कंसंट्रेशन, ओके। और स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री ये कह रही है सी, संचारी डी, तुषार कह रहे हैं सी, श्रेया भी सी, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि आंसर सी है। तो ठीक है, देखते हैं आप सब सही हैं या गलत। देखिए मेनली क्या होता है, डिस्कस करते हैं पहले इसको। मैंने आपको बताया था जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे थे, राइट, कि यहाँ पे आपका जो सैंपल होगा, ठीक, जो सैंपल यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी यहाँ से आ रही है रेडिएशन सोर्स से, जैसे 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो ये जो आपका एटम होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा था और एक्साइटेड स्टेट में वो पहुँच जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सैंपल का कंसंट्रेशन जो है, एनलाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ये जो लाइट है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस सैंपल और वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो आपका फर्दर प्रोसीजर नहीं हो पाता है, इसलिए आपको जो कैलिब्रेशन कर्व मिलती है वो लीनियर ना मिलके नॉन लीनियर मिलती है। तो इसका मतलब आपका आंसर था कंसंट्रेशन ऑफ एनलाइट इज हाई। अगर आपका कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगा तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू सैंपल, ठीक है। और एंड रीच इन एक्साइटेड स्टेट, इसलिए आपका जो कैलिब्रेशन कर्व मिलता है वो मिलता है आपको नॉन लीनियर, राइट। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सी था, तो बहुत सारे बच्चे सही थे। हाँ जी, आशीष का भी ऑप्शन सी है, ज्ञानेंद्र पांडे का भी सी है, नीतीश कह रहे हैं ए। अच्छा, आपको क्लियर नहीं हुआ, एक बार और रिपीट कर देते हैं, वेट। और राजेश, सौरभ, मोहित झा, इन सब का आंसर सी था, राइट। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका जो सैंपल था, ठीक, जो एटोमाइजर में जो आपका सैंपल पहुंचा हुआ है, अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपकी रेडिएशन सोर्स आ रही है, ठीक, वो रेडिएशन जो है वो पास नहीं हो पाएगी सैंपल में और वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच पाएगी। तो आपका जो कैलिब्रेशन कर्व जो आपको लीनियर मिलना था, अब वो लीनियर ना मिलके नॉन लीनियर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है आपके BHU 2018 में भी, सेम क्वेश्चन आया है और 19, देखिए कॉन्सेक्यूटिव अगले ही ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सेम। अभी एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक, कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी, गैसेस बताइए आपने, क्या लगता है आपको। यस, क्लियर नाउ नीतीश, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए, सेंसिटिविटी आपके हिसाब से क्या है, कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए। एवरीबडी आंसर, ओके।
जावेद अली का आंसर है ए. ओके और विनय कुमार कह रहे हैं बी, आशीष कह रहे हैं बी, भूपेंद्र भी बी कह रहे हैं. ओके सबका बी आ रहा है. ज्ञानेंद्र पांडे कह रहे हैं सी ऑप्शन भी हो सकता है. चलिए देखते हैं. ठीक है देखिए सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सी कह रहे हैं. सत्यजीत पांडे, सौरभ खन्ना, राजेश, श्रेया, राजेश. ओके शैलेंद्र, शैलेंद्र का आंसर बी है. ममता डी. ओके लेट्स सी क्या है आंसर इसका. देखिए सेंसिटिविटी क्या होता है. सेंसिटिविटी मतलब लाइक आपके पास कोई दो एंटिटीज़ हैं ठीक है, और वो काफ़ी सिमिलर हैं एंटिटीज़, और उन दो सिमिलर एंटिटीज़ को भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज मुझे एबिलिटी होगी डिफ्रेंशिएट करने की दो सिमिलर एंटिटीज़ को, उसको आप कहते हैं सेंसिटिविटी. राइट तो सेंसिटिविटी का देखिए क्या हो गया, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ एन एनालाइट. तो आपका राइट आंसर है सी, मतलब कि कोई दो एंटिटीज हैं काफी सिमिलर एंटिटीज हैं वो दोनों, और उसके बाद भी अगर जो एबिलिटी होगी उन दोनों को भी डिफरेंशिएट करने की, दैट इज सेंसिटिविटी. तो हमारा राइट आंसर सी था. मैक्सिमम बच्चे आई थिंक सी कह रहे थे. या ओके चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबका आंसर सही होना चाहिए इस बार. इसमें से कौन सा सही है. खुशबू मिश्रा का आंसर आ रहा है बी. वेरी गुड. ऋतु ऋतु ए. ओके सबका आंसर बी आ रहा है. वेरी गुड राजेश आपका आंसर सी भी आ रहा है. अब साउंड क्लियर है नितीश. अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी. राइट तो आपका राइट आंसर बी है. चलिए ठीक है हाँ मैक्स आपका आंसर बी है. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोर्स लैम्प यूज्ड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टू बी. अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है बताइए. अभी भी आवाज क्लियर नहीं है क्या. ओके आशीष कह रहे हैं सी, खुशबू मिश्रा का आंसर बी भी है, विनय कुमार का भी सी है. ओके संचारी कुंदू आपका, आपने जो फॉर्मूला लिखा है ए इजल टू माइनस लॉग परसेंट टी, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ध्यान दीजिए. ओके सबका आंसर सी आ रहा है. मैंने आपको बताया था जो आपकी रेडिएशन सोर्स होती है दैट इज हेलो कैथोड लैम्प जो आपने लिया था उसमें से जो आपकी रेडिएशन बाहर आ रही थी वो एक नैरो लाइंस होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की,
इट मीन्स आपका ये स्टेटमेंट सही है. दे हैव नैरोअर लाइन विड्थ देन सैम्पल एब्जॉर्प्शन लाइन विड्थ. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है. आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है एटोमाइजेशन का. एटोमाइजेशन हमने पढ़ा था, एटोमाइजेशन के स्टेप्स वन बाय वन. तो बताइए इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है. बताइए क्या आंसर है. एवरीबडी आंसर. बताइए ऑप्शंस. ओके किसी का आंसर ए. ए आशीष ए कह रहे हैं, विनीत भी ए कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र पांडे बी कह रहे हैं, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर पंकज सी कह रहे हैं, अर्जुन ए, राजेंद्र ए. तो ये मतलब मैक्सिमम बच्चे ए कह रहे हैं. चलिए देखते हैं कौन सही है. जो एटोमाइजेशन में आपका जो पहला स्टेप था मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप वाज नेबुलाइजेशन, राइट. जो आपका सैंपल सॉल्यूशन था वो सबसे पहले ट्यूब के थ्रू नेबुलाइजर में जा रहा था, जहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा था टाइनी ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल में. तो फर्स्ट स्टेप आपका नेबुलाइजेशन था, ठीक है. अब जैसे ही वो एटोमाइजर में पहुँचता है तो एटोमाइजर में आपका जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थे सैंपल प्लस सॉल्वेंट थे. तो सबसे पहला स्टेप था आपका डिसॉल्वेशन. जो आपका सैंपल था जो सॉल्वेंट था वो इवोपोरेट हो रहा था, राइट. तो सेकेंड स्टेप वॉज डिसॉल्वेशन, और फिर हमारा हो रहा था वोलेटिलाइजेशन, कि जो आपका अब सैंपल बच रहा है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था. तो आपका राइट आंसर ए है, मैक्सिमम बच्चे सही थे बिल्कुल. चलिए अब हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आए हुए थे प्रीवियस पेपर्स में. कृष्णामणि चतुर्वेदी ए पक्का. हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर ए ही था. शैलेंद्र ए सबका सही था, वेरी गुड. चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए. अब हम बीयर लैम्बर्ट्स लॉ को डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब ये जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे. चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है. मोनोक्रोमेटिक मतलब कि एक सिंगल कलर की, ठीक, मतलब सिंगल एट फिक्स्ड, किसी फिक्स्ड वेवलेंथ पर आपके यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक. ये आपके आई नॉट आपको दिखा, ये इंसिडेंट रे है. मतलब आई नॉट आप डिफाइन कर रहे हैं किसको, कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे. अभी आपके पास कोई सैंपल है इसका लेंथ आप मान लीजिए कोई एल दे रखा है, इसका लेंथ थिकनेस इसकी एल है. तो जब ये यहाँ से क्रॉस करेगा, अब जो आपका यहाँ से ट्रांसमिटेड रे है उसको डिनोट कर रहे हैं आप आई से. अब इसके बाद ये ट्रांसमिटेड रे है वो डिटेक्टर पे पहुँचती है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है. तो जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट थी इस थिकनेस की वजह से, इसके थिकनेस की वजह से जो इसमें डिक्रीज आया है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज माइनस डी आई बाई डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इंटेंसिटी से, ठीक है. अब बीयर्स लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है इसको आपने रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन से. अब लैम्बर्ट बीयर लॉ में आप देखेंगे इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के भी और कंसंट्रेशन के भी. अब यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया और ये आ गया के आई सी. अब इसको आप फर्दर इंटीग्रेट करके आपका लास्ट में ये फॉर्मूला आ जाता है कि लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एल.
राइट, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जितने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं सारे आपको याद होने चाहिए, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एप्साइलन है, दिस इज एप्साइलन, ये होता है हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, राइट। इसका यूनिट क्या होगा, ये तो इंटेंसिटी है, तो एप्साइलन इज इक्वल टू हो गया 1/ कंसंट्रेशन और लेंथ। कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर, तो जब ये ऊपर गया तो ये हो गया लीटर मोल इनवर्स, लेंथ का होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा यूनिट हो गया एप्सिलॉन का, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का। अब देखिए ट्रांसमिटेंस हो जाता है हमारा, जो इंटेंसिटी है आपकी ट्रांसमिटेड रे की, डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, और एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, दीज आर टू सेम थिंग्स, एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको आप, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई, आई नॉट क्या था इंसिडेंट रे और आई क्या था ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, ये सारे बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये आया था लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एल, और आई बाई आई नॉट क्या है, यहाँ से रिप्लेस करिए, दिस इज ट्रांसमिटेंस, तो लॉग टी हमारा ये हो गया। ठीक, लॉग यहाँ से हटाया हमने तो ये 10 के पावर में आ गया, और ये माइनस एप्सिलॉन सी एल क्या है, एप्सिलॉन सी एल हमारा एब्जॉर्बेंस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन सी एल था, इस माइनस को हटाया अगर आपने तो ये आई नॉट बाई आई हो गया, और लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई क्या है, दिस इज एब्जॉर्बेंस, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। एब्जॉर्बेंस है हमारा लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई, जब इसको हम यहाँ पे माइनस लिख दिया तो इसको आप अपोजिट कर देंगे आई बाई आई नॉट। ठीक है, ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी हम जितने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे इनके बेसिस पर ही होंगे, तो अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप अभी ये काम कर सकते हैं, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूले अभी आपको आने वाले हैं। चलिए, और एब्जॉर्बेंस हमारा माइनस लॉग टी होता है, और एक ये भी फॉर्मूला है जो शायद सत्यजीत ने कहा था, सही था वो, राइट। अब देखिए अगर आप एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को प्लॉट करते हैं तो आपको एक लीनियर लाइन मिलती है, राइट, और जब ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन को करेंगे तो आपको एक डीके मिलता है, एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, अब बियर लैम्बर्ट्स लॉ में आपने देखा कि आपका जो ये लाइन मिलती है वो मिलती है लीनियर, लेकिन कुछ कभी कभी डेविएशंस आ जाते हैं इसमें, तो डेविएशंस वो कब आएंगे उनको, उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं कि कब डेविएशंस हमारे बियर लैम्बर्ट्स लॉ में आते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा रियल डेविएशन, कि अगर आपका जो कंसंट्रेशन है लाइट का, राइट, अगर आपने हाई कंसंट्रेशन ले ली तो हाई कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो भी इफेक्ट होगी, या फिर हाई कंसंट्रेशन पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव डेविएशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, बट अगर आपका कोई रियल डेविएशन अगर आ गया, अगर हाई कंसंट्रेशन आपका हो गया लाइट का, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, अगर आपका जो सोर्स है वो कोई पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था बियर लैम्बर्ट्स लॉ में, तो हमने देखा था कि आप जो सोर्स लेते हैं कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, तो अगर आपने पॉलीक्रोमेटिक सोर्स लिया तो आपका डेविएशन मिलेगा। थर्ड, केमिकल डेविएशन, कि अगर आपके कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, या डिसोसिएशन एसोसिएशन सॉल्वोलिसिस पॉलीमराइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन, अगर कोई इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो अभी आपको डेविएशन मिलता है। सेकेंडली, आपका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए बियर लैम्बर्ट्स लॉ को अप्लीकेबल होने के लिए। तो ये कुछ हमने डिस्कस कर लिए पॉइंट्स कि किस वजह से आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ में डेविएशंस होते हैं, राइट। चलिए अब इसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आया है, देखिए 2019 का क्वेश्चन है, इसको सब सॉल्व करके बताइए जल्दी, एवरीवन सबके आंसर्स आने चाहिए। पंकज कह रहे हैं साउंड ओके है, नीतीश कुमार कह रहे हैं साउंड नहीं क्लियर है। विनय कुमार कह रहे हैं क्लास कब तक होगा मैम, आप बोर हो गए क्या? साउंड क्लियर है प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, साउंड सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी सॉल्व करिए सब लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा। विनय कुमार कह रहे हैं नो मैम अच्छी क्लास है। हाँ चलिए अब सिर्फ हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, बस हमने जो बीयर लैम्बर्ट्स लॉ भी पढ़ा उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन, राइट? फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ओके सब कहाँ ठीक है, सब कह रहे हैं साउंड क्लियर है, ठीक है बेटर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पंकज कह रहे हैं क्लियर है वॉइस, ठीक है। रिचा भी कह रही है साउंड क्लियर है, ठीक है गुड गुड एवरीवन सही। किसने सॉल्व किया इसको? फॉर्मूला पेज, अच्छा मैंने कहा था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, जल्दी से देख लीजिए सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं। ठीक है डन, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात। ओके गुड गुड, यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। आशीष कह रहे हैं सी ऑप्शन है। विनय कुमार कैप्चर नहीं हो रहा, ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है इसको एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा क्लियरली। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके पास एक सॉल्यूशन ए दे रखा है, राइट? इसमें आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी है 0.5, लेंथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है, एब्जॉर्बेंस पता करनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस ही तो होती है, तो इट मींस आपको सॉल्यूशन ए के लिए एब्जॉर्बेंस पता करना है। फिर सॉल्यूशन बी है, इसमें आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ओके पता करनी है, एब्जॉर्बेंस आपको पता करनी है, कंसेंट्रेशन दे रखा है और आपको लेंथ दे रखी है, ठीक। यहाँ पर भी एब्जॉर्बेंस निकालनी है। सॉल्यूशन सी में ट्रांसमिटेंस दे रखा है, यहाँ पर भी आपको एब्जॉर्बेंस निकालना है। तो इन तीनों सॉल्यूशंस का एक एक करके एब्जॉर्बेंस निकालिए और फिर पता करिए कि किसका एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए जो एब्जॉर्बेंस होता है हमारा, ये होता है हमारा लॉग ऑफ 1/T, राइट, और इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल, ठीक है। ये था
ठीक है, पहले हम सॉल्यूशन ए लेते हैं। अब सॉल्यूशन ए में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है और आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी है, राइट? तो देखिए, ट्रांसमिटेंस कितना दे रखा है आपका, 0.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 2 और ये हो जाता है 0.301, राइट? तो सॉल्यूशन ए के लिए आपका एब्जॉर्बेंस आ गया 0.301। अब हम क्या करते हैं कि आपको ये भी पता था कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलन सी एल, एब्जॉर्बेंस आपका आ गया है 0.301। यहाँ से आप एप्साइलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 और लेंथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ से आप जब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कॉफिशियंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.01, राइट? तो ये हमने सॉल्यूशन ए से एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर ली। अब सॉल्यूशन बी कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन बी के लिए एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं। एब्जॉर्बेंस हमारा था दिस, राइट? अब आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 3.01, कंसंट्रेशन दे रखा है आपका 0.5 और लेंथ क्या दे रखी है, दिस इज 1 मिलीमीटर, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 0.1505, ठीक है? अब हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन सी के लिए, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/T, राइट? एब्जॉर्बेंस आपको निकालनी है, ट्रांसमिटेंस आपको दे रखी है कितनी, ट्रांसमिटेंस दे रखी है आपको 0.1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 1। तो देखिए, सॉल्यूशन ए के लिए आपका एब्जॉर्बेंस है 0.301, सॉल्यूशन बी के लिए है 0.1505 और सॉल्यूशन सी के लिए है 1। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा सी का है, ए और उसके बाद बी है। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हुआ डी, सी का सबसे ज़्यादा है, फिर ए, फिर बी, राइट? अब पुनीत संचारी, आपका आंसर डी है, वेरी गुड, सही। यहाँ पे आशीष भी कह रहे हैं डी ऑप्शन मैम, कैलकुलेशन मिस्टेक थी पहले, ओके, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसी मिस्टेक ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आया है सीएसआईआर नेट 2012 में, राइट? अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग क्यूबिट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, लेंथ दे रखी है आपको 0.5, कंसंट्रेशन दे रखा है और 50% ट्रांसमिटेंस दे रखा है, ठीक है? आपको क्या करना है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्रोमोफोर का निकालना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल जल्दी से आंसर करिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पंकज का आंसर आ रहा है डी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए सब, विनीत, अच्छा आप कह रहे हैं आपका ऑप्शन भी ठीक था, बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी से बताइए इसका आंसर, अभी तक सिर्फ पंकज ने आंसर दिया है डी, ओके, यहाँ पे विनय कुमार भी कह रहे हैं डी, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट? तो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला वाज दिस,
ये पर्स ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग, और आपको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कितना दे रखा है, दैट इज 50%। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.301, राइट। अब ये भी फॉर्मूला आपने देखा था, तो यहाँ से देखिए आपका एब्जॉर्बेंस तो पता लग गई है, एब्जॉर्बेंस है आपका 0.301, एप्साइलन आपको निकालना था, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 10^-4, और लेंथ दे रखा है आपको 0.5। तो यहाँ से जब आप एप्साइलन को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6020, राइट। तो पंकज का आई थिंक आंसर डी था, और बिल्कुल सही आंसर किया उन्होंने, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे आप सबका आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। विनय, आशीष, भूपेंद्र, आशीष, ठीक है, सबका आंसर डी है, वेरी गुड। जावेद अली डी, सौरभ, त्यागराज, सुमित, सबका आंसर डी है, वेरी गुड, बहुत। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन भी देखिए आपका आया है 9 दिसंबर 2012, देख सकते हैं आपके कितने इजी सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन्हें सॉल्व करने में। और मैक्सिमम क्वेश्चंस तो 4 मार्क्स में आए हैं, जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में इन क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। अब ये बताया गया था जब डेविएशन हमने पढ़ी थी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। आशीष कह रहे हैं बी, ठीक है, और ओके आशीष का ही अभी तक आंसर आया है बी, मतलब बी सी डी आपके स्टेटमेंट सही है, और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। विनय कुमार डी कह रहे हैं, शालिनी बी कह रहे हैं, जावेद अली, पूजा बी, ओके चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे क्या पूछा है कि आपका बी एस लॉ में डेविएशन कब होंगे, पहला ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो क्या डेविएशन होते थे, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया है आपने, ठीक है, तो आपका बी एस लॉ ओबे हो रहा था, लेकिन जब आप पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे थे तो आपके डेविएशन आ रहे थे, इट मीन्स ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं तो कोई डेविएशन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, वेरी हाई कंसंट्रेशन, ये तो मैंने आपको बताया था हाई कंसंट्रेशन पे आपका डेविएशन मिल जाते हैं, नेगेटिव डेविएशन, एसोसिएशन ऑफ एनालाइट या फिर डिसोसिएशन ऑफ एनालाइट। ये भी हमने देखा था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एसोसिएशन, डिसोसिएशन, प्रेसिपिटेशन कुछ भी हो रहा है तो आपके नेगेटिव डेविएशन आते हैं, इट मीन्स ये दोनों भी सही हैं, राइट। तो बी सी डी ऑप्शंस आपके सही हैं, इट मीन्स बी आंसर है। ओके, यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर अब बी हो गया, ज्ञानेंद्र पांडे, विनय कुमार अभी भी डी कह रहे हैं, अब सी कह रहे हैं, क्या बात है। शालिनी एंड भूपेंद्र का आंसर बी है, राइट। ओके, यहाँ पे सभी के आंसर बी है। त्यागराज, आपका ऑप्शन बी सी डी तीनों कैसे हो सकते हैं, और सभी के आंसर्स बी हैं, वेरी गुड, ठीक है, हाँ ही अपलोड हो जाएगा, ऑल क्लास साइट्स विल बी अपलोडेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपका आया है बीएचयू 2017 में, ठीक है, विच टू स्टेटमेंट्स आर टोटली फॉल्स, इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो गलत हैं, तो अगर आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं तो बताइए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपके कोई 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो गलत हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि बी एस लॉ इज ओबेड
when aqueous solution of chromate is diluted with water. सेकेंड स्टेटमेंट है कि बियर्स लॉ ओबे होगा अगर आपका जो ये एक्वो सॉल्यूशन है वो मेड स्ट्रॉन्गली एसिडिक. इट मींस आपका पीएच जो है वो लो है. यहाँ पे अगर देखें तो इट इज मेड स्ट्रॉन्गली एल्काइन, मतलब हाई पीएच है. और यहाँ पे आपका परफेक्टली न्यूट्रल है, पीएच आपका 7 है, राइट. तो जो आपका बियर्स लॉ होता है वो पीएच डिपेंडेंट होता है, ठीक है. एट लो पीएच पे क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेट की बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कि आपका जो एक्वो सॉल्यूशन है क्रोमेट का, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये 2H+ देगा और ठीक है. अब मेनली देखिए क्या होता है कि एट लो पीएच पर आपका जो बियर्स लॉ है वो फॉलो नहीं होता है, उसमें आपके डेविएशंस आ जाते हैं, ठीक है. तो आपको एट लो पीएच पे नेगेटिव डेविएशन मिलता है. और हाई पीएच पर आपका जो बियर्स लॉ है वो ओबे होता है, राइट. तो अभी ऑप्शंस में से देखते हैं, यहाँ पे आपका लो पीएच है, इट मींस कि नेगेटिव डेविएशन होगा. तो बियर्स लॉ यहाँ पे लिख रहा है कि ओबे कर रहा है, इट मींस आपका स्टेटमेंट गलत है, राइट. और यहाँ पे तो हाई पीएच है, ठीक है, हाई पीएच पे तो आपका बियर्स लॉ ओबे होता है. अब इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से. इस स्टेटमेंट में आपका जो एक्वा सॉल्यूशन है क्रोमेट का वो डाइल्यूट कर रहे हैं आप वाटर के साथ, ठीक है. तो आपको ये रिएक्शन मिल रही है. अब यहाँ पे H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है. H+ अगर बढ़ रहा है तो pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H+. H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो pH कम हो रहा है. और लो pH पे आपने देखा कि नेगेटिव डेविएशन आपको मिलता है, इट मीन्स आपका ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो जो दो स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स थे वो थे ए और बी, राइट. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब ये क्वेश्चन आपका आया है नेट 2015 में, ठीक है. इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जल्दी से इसका आप सब लोग आंसर करिए, जल्दी से सॉल्व करिए. ओके, बच्चों का आंसर आ रहा था बी सी, सबका बी सी था. ओके, अब क्लियर हो गया होगा आपको. इसको जल्दी से सॉल्व करिए ये क्वेश्चन को. बी क्विक एवरीवन. जावेद अली कह रहे हैं न्यूट्रल को एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए लो पीएच जब होता है तब तो आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, बट न्यूट्रल पे या फिर हाई पीएच पर आपका बियर्स लॉ ओबे होता है. ओके, विनय कुमार का आंसर आया है सी. भूपेंद्र कह रहे हैं बी, 25 है आंसर. और बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसके. ज्ञानेंद्र कह रहे हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कौन सही कह रहा है. देखिए क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 50%, राइट, व्हेन इट पासेस थ्रू अ सैंपल ऑफ लेंथ दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर.
परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेम सैंपल. अब लेकिन आपका पाथ लेंथ चेंज होके हो गया है 3. ठीक है, तो आपको अब इसकी परसेंटेज ट्रांसमिटेड निकालनी है. चलिए देखते हैं. आपने ये फॉर्मूला देखा था, राइट? यहाँ पे आपका लेंथ L1 ले लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिटेंस 1 ले लिया. सेकेंड के केस में यहाँ पे लॉग T2 ले लिया और यहाँ पे आपने L2 ले लिया, ठीक है. अब इनको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ T2 बाय लॉग ऑफ T1 इक्वल टू L2 बाय L1, राइट. अब यहाँ से अगर आप लॉग ऑफ T2 कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, L2 बाय L1. L2 क्या है हमारा, 3 सेंटीमीटर, और L1 क्या था, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनटू लॉग ऑफ T1, और T1 हमारा कितना दे रखा था, ये था 50%, ठीक है, 50%, तो ये हो गया, ठीक है. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 12.5%. तो आपका राइट आंसर डी है. चलिए देखते हैं किस किस का आंसर सही था. ज्ञानेंद्र पांडे का आंसर इनका बिल्कुल सही था, वेरी गुड. आशीष का भी आंसर डी है, ठीक है, ओके. त्यागराज और सक्सेस श्रिया, आप सी कह रहे थे, अब आपको पता चल गया होगा आंसर डी है, राइट. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आपका आया है CSIR NET 2018 में. ये बताइए आप, कि आपका बीयर्स लॉ जो है वो कब फेल हो जाता है, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है. बताइए जल्दी जल्दी. ओके, विनय का आंसर आ रहा है ए, ज्ञानेंद्र कह रहे हैं डी, वेरी गुड. आज इनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ज्ञानेंद्र के, वेरी गुड. आशीष भी डी कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, जावेद अली सी कह रहे हैं, शैलेंद्र डी, सौरभ डी, ठीक है, भूपेंद्र भी डी कह रहे हैं. मैंने आपको बताया था बीयर्स लॉ में हम क्या देख रहे थे, आप मैंने आपको जब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें देखा था आपने कि वो पीएच पे डिपेंड कर रहा था. लो पीएच पे आपका बीयर्स लॉ फेल हो जाता है, डेविएशंस आ जाते हैं, तो इट मींस ना ही वो इस पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, ना ही डिटेक्टर, ना ही, या फिर हमने साइज लेंथ तो कुछ बात ही नहीं करी थी लेंथ ऑफ क्यूबिट की. तो हमारा राइट आंसर पीएच है, पीएच पे डिपेंड करता है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये आपका आया है BHE 2019 में, जल्दी से इसका आंसर करिए. जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर. अंकित कह रहे हैं डी, अंकुश भी डी कह रहे हैं, विनय कुमार का आंसर सी है, विनीत ए कह रहे हैं. चलिए देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ एन एसोसिएशन इक्विलिब्रियम या फिर हाई कंसंट्रेशन पे, जब हमने देखा था डेविएशंस जब हम पढ़ रहे थे बीयर्स लॉ में,
तो हमने ये देखा था जब हाई कंसंट्रेशन होता है या फिर जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी हो रहा हो, तो आपको नेगेटिव डेविएशन मिल रहा था, राइट? स्ट्रेट लाइन की वजह से आपको थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन आ रहा था जब एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में आप प्लॉट करते थे, तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो ए सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BHG 2017, ये तो जल्दी से आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के, बिल्कुल वेरी गुड, जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके आशीष, ज्ञानेंद्र, विनीत, आपका आंसर बी है। यहाँ पे कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, ए भी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं। अभी जब आपने फॉर्मूले देखे थे तो आपका फॉर्मूला ये वाला सही था, ए इज इक्वल टू 2 - log% t, राइट? तो आपका राइट आंसर बी है। जल्दी से आप बताइए, अब इनमें से किसकी कोई यूनिट नहीं होती? ये क्वेश्चन आया आपका BHG 2017 में। बी क्विक एवरीवन, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं इन पेपर से, बहुत ईजी क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, विच हैज नो यूनिट, ट्रांसमिटेंस, पाथ लेंथ, एब्जॉर्प्टिविटी या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन? किसका कोई यूनिट नहीं होता है? भूपेंद्र का आंसर है ए, वेरी गुड, सबसे क्विक आंसर दिया है अभी तक। विनीत सी कह रहे हैं, एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी की क्या कोई यूनिट नहीं होती? एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जावेद अली, अर्जुन, त्यागराज, सबका आंसर ए है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ट्रांसमिटेंस, हर कोई ट्रांसमिटेंस ही कह रहा है, बिल्कुल सही है। पाथ लेंथ तो आप सेंटीमीटर्स में लेते ही हैं, राइट? एब्जॉर्प्टिविटी मैंने बताया था आपको, एब्जॉर्प्टिविटी क्या थी, 1/कंसंट्रेशन इंटू लेंथ, कंसंट्रेशन था मोल पर लीटर, यहाँ हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? और सॉलिड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो आपका मोल पर लीटर में आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है? तो आपके ट्रांसमिटेंस की कोई यूनिट नहीं है, आपका आंसर ए सही है। चलिए ये क्वेश्चन आपका है 9 December 2014 में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हम कितने सारे क्वेश्चन आज ही कर चुके हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से डेविएशन कब शो करेगा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिसोसिएशन, पॉलीक्रोमेटिक लाइट या फिर पाथ लेंथ? हाँ वेरी इजी क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस नेट और BHU में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने इजी क्वेश्चंस, राइट? तो इसको आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे आंसर्स आने लग गए हैं। विनय कुमार, आशीष, ज्ञानेंद्र पांडे कह रहे हैं ए, मतलब ए बी सी सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं हार्ड क्वेश्चन लाइए, अब जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ऑब्वियसली आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं हम सब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो हार्ड हो चाहे ईजी हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जब चेंज आता है, तो मैंने बताया था जब आपका हाई कंसंट्रेशन होता है तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और आपका नेगेटिव डेविएशन मिलता है, डिसोसिएशन पर भी आपका डेविएशन आता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, राइट? अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे थे तो आपका कोई डेविएशन नहीं था, लेकिन आप जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं तो डेविएशन आएगा, लेकिन पाथ लेंथ पे कोई डिपेंड कर ही नहीं रहा था ये तो। इट मीन्स ए बी सी आंसर सही है, और ए बी सी आपका आंसर ए सही होगा, राइट? तो यहाँ पे सबका आंसर ए था, ज्ञानेंद्र पांडे, आशीष, विनीत, भूपेंद्र, आप लोग बिल्कुल सही हैं, और यहाँ त्यागराज आप बी कह रहे थे, सही, अब सबका आंसर सही है, वेरी गुड। सुमन दास, सत्यजीत, त्यागराज ए, ठीक है, वेरी गुड, सही,
ओके, भूपेंद्र कह रहे हैं कि इजी होगी एनालिटिकल, वेरी गुड, अच्छी बात है। इसी तरीके से ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, यही फॉर्मूला था आपका, राइट? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका आया है BHE 2018 में, जल्दी से बताइए इसका, इस क्वेश्चन को भी आज ही डिस्कस किया है। हाँ, सबका आंसर सी कह रहे हैं ऑप्शन, आप कुछ डी कह रहे हैं, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। यहां पूछा है कि आपका एक्वा सॉल्यूशन है क्रोमेट का, राइट? इसको अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक ले रहे हैं, इट मींस आपका जो पीएच है वो लो है, और लो पीएच पे आपको नेगेटिव डेविएशंस मिल रहे थे, इट मींस आपका आंसर ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आया है BHE 2016 में, आपको स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी की यूनिट बतानी है। अभिषेक शर्मा का क्वेश्चन है, नेट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आज हमने डिस्कस की नेट के क्वेश्चंस, जितने भी आए थे हमने सब डिस्कस किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है इस टॉपिक से। ओके, यहाँ पे आंसर्स आने लग गए हैं। ए ए ए सबका ए है, वेरी गुड, सही। आपका जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट था वो क्या था, 1/ कंसंट्रेशन लेंथ, राइट? तो ये आपका हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, तो ए ऑप्शन आपका सही है। यस, भूपेंद्र, आशीष, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। जावेद, सुमन दास, सौरभ खन्ना, उन्नति, आपका आंसर गलत है, आप सी कह रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BHE 2016 में पूछा गया है, ठीक? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ क्या पूछा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस में जो मिनिमम रिलेटिव एरर होता है कंसंट्रेशन में, वो कब होगा? जब परसेंटेज ट्रांसमिशन आप मेजर करेंगे ट्रांसमिटेंस को, ठीक है? तो देखिए जब भी आप कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके कुछ भी इनडिटर्मिनेट एरर्स आ सकते हैं, कोई भी एरर आ सकता है आपका, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो या आपके डिटेक्टर में कोई एरर हो, ठीक, जिसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो वो एरर्स आप किस तरह स्टोर करते हैं, एक हम रिंग वर्म प्लॉट होता है, ठीक है? ये प्लॉट जो है ये आपका होता है किसके बीच में, यहाँ पे होता है परसेंटेज रिलेटेड एरर, और ये हो जाता है हमारा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पे, राइट? अब ये जो प्लॉट आपको मिलेगा, ये प्लॉट आपको कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पूछा है कि मिनिमम रिलेटिव एरर क्या है, राइट? मिनिमम रिलेटिव एरर कौन सा होता है, इट मींस आपका जो रिलेटिव एरर है ये मिनिमम पॉइंट किस ट्रांसमिटेंस पे होगा। तो जब आपको ये कर्व नजर आता है, तो जहाँ से ये आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं आती है 15% पर, ठीक, और 15 से लेकर ये 65 तक वेरी करता है, और जो आपका ये मिनिमम रिलेटिव एरर होता है ये कहीं आता है आपका 37%, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका पूछा था कि मिनिमम रिलेटिव एरर क्या है,
तो मिनिमम रिलेटिव एरर जाता है वो आता है आपका 37% ट्रांसमिटेंस पे, तो आपका राइट आंसर सी है। ठीक है, ये आप इसको इस प्लॉट से बताते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इनफ था। ज्ञानेंद्र पांडे आपका आंसर सी था, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा भी सी कह रहे हैं, वेरी गुड, सही। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है सीएसआईआर नेट जून 2013 में। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जल्दी से सब लोग आंसर करिए। हाँ भूपेंद्र, ये फिक्स होता है। शुभदीप का क्वेश्चन क्या है, इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर जैम? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, राघव मिश्रा का सबसे पहला आंसर आया है, दैट इज 66.7%, सबसे क्विक आंसर है आपका। और कोई आंसर करिए जल्दी जल्दी। शुभदीप, मैंने आपको आंसर किया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट। त्यागराज डी कह रहे हैं 70%, यहाँ पे भूपेंद्र कह रहे हैं बी 50%। चलिए फिर देख लेते हैं, यहाँ पे भूपेंद्र अब सी कह रहे हैं, दैट इज 66.7%। अब एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इसका आंसर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या क्या पता है आपको, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर किसी ए कंपाउंड की, ठीक है। इसका आपको ट्रांसमिटेंस दे रखा 50%, लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई एनदर कोई दूसरा आपके पास कंपाउंड बी है जिसकी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, ऑप्टिकल डेंसिटी वैल्यू मतलब एब्जॉर्बेंस दे रखा है आपको इतना यूजिंग 1 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखी है। अब आपको क्या पता करना है, ट्रांसमिटेंस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज साइमल्टेनियसली 0.1 मोलर ए में और 0.1 मोलर बी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। ए जो कंपाउंड है हमारा उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है, ट्रांसमिटेंस दे रखी है, ठीक है 50% दे रखी थी ट्रांसमिटेंस, राइट। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और बी जो कंपाउंड है इसके लिए आपको क्या क्या दे रखा है, एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस कितनी है 0.1761, राइट। और आपका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और लेंथ आपका यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है। अब हम पहले सॉल्यूशन ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, आपका एब्जॉर्बेंस ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंस क्या था आपका, माइनस लॉग टी, ठीक है। तो माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस दे रखा है ए का 0.5, इसको कैलकुलेट करके आपका आएगा कितना 0.3010। अब आपको क्या करना है, अब आपको एब्जॉर्बेंस निकालना है साइमल्टेनियस ए के लिए और बी के लिए, राइट। तो आप इनको ऐड अप कर देंगे, तो एब्जॉर्बेंस जो है अब आप ए और बी दोनों के लिए, तो ए का एब्जॉर्बेंस कितना था, एक एब्जॉर्बेंस यहाँ पे आपने निकाला 0.3010,
और बी का कितना है, बी का तो आपको दे रखा था, दैट वॉज 0.1761, तो आपका एब्जॉर्बेंस जो है अब वो आ गया 0.4771, राइट। अब आपका एब्जॉर्बेंस पता लग गई है, अब आपको क्या निकालना है, ट्रांसमिटेंस। तो आपका फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, ठीक है, एब्जॉर्बेंस आपका 0.4771 माइनस लॉग टी, तो टी हो जाएगा 10 के पावर माइनस 0.4771। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.3%, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए है। चलिए देखते हैं किस किस ने आंसर सही दिया था। ज्ञानेंद्र पांडे आपका ए ऑप्शन था, आशीष भी ए कह रहे थे, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए है, 33.3%। तो आज हमने पूरी क्लास में क्या क्या देखा, आज हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली, ठीक, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे नेट में, बीएचए में, हमने आज कर लिए हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, राइट। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, राइट, एंड एवरीबडी लाइक सब्सक्राइब शेयर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।